welcome to my channel Conceptual Mathematica. This is the channel for all competitive examinations, as you know. Today I am going to start Accounts Assistant. I will start first lecture on maths. I will complete maths and statistics part, which have 20 marks. So today I will discuss first topic in maths, which is set theory, basic concepts and applications. So इस सेट थ्योरी में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा. और आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, बिकॉज यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं होगा, तो जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैं एक तो आपको बोलूंगा व्हाट डू वी मीन बाय सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट and types and also some remarks. So let's start set. So in ordinary language, if we see, set means collection in ordinary language. But in maths, we define set. It is a well-defined. It is a well-defined and distinct. Collection of objects of our perception or thought. This is the universally accepted definition for a set. It is well defined and distinct collection of objects of our perception or thought. So इस definition में दो टर्म्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट. और डिस्टिंक्ट, यू नो, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट. द एलिमेंट्स इन अ सेट शुड बी डिफरेंट. डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड जो है, ये मैं आपको समझाऊंगा. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहां पर? वेल डिफाइंड का मतलब है द डेफिनेशन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नाउ व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, If we have any collection in our perception or thought, अगर आप लोगों के ख्याल में कोई भी collection आ रही है, तो आपको उस collection पर देखना है अगर ये दो parameters, well defined और distinct, अगर ये दो conditions उस पर satisfy होती है, तो mathematically आप उसको set बोल सकते हो. That is, now what do you mean by well defined? So मैंने अभी बोला, the definition should not vary from person to person. It should be universally true. If we take an example, for example, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो है ए बी सी डी ई अप सो ऑन जेड तक. सो ये हमारे पास एक कलेक्शन है, इसको आप कलेक्शन बोल सकते हो. बट अब ये कलेक्शन जो है डिस्टिंक्ट कलेक्शन है. ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट. ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी, बी इज डिफरेंट फ्रॉम सी, सी इज डिफरेंट फ्रॉम डी, डी इज डिफरेंट फ्रॉम ई अप सो ऑन. एंड दूसरी बात, इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन. It does not vary from person to person. मतलब ये जितने अल्फाबेट्स है 26 है, तो यहां पर भी 26 है जेड के में, और अमेरिका अगर जाओगे वहां पर भी 26 है. सो मैं भी मानता हूं कि ये अल्फाबेट्स 26 है, ए बी सी अप टू ऑन जी, और सारे मानते हैं. सो इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. सो मैथमेटिकली हम इस कलेक्शन को सेट बोलेंगे. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है वॉवेल्स, हमारे पास है ए ई आई ओ यू, हमारे पास ये देयर आर फाइव वॉवेल्स. नाउ सी, दिस इज अ कलेक्शन, एंड दिस इज डिस्टिंक्ट कलेक्शन. नंबर वन, ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज दिस कलेक्शन does not vary from person to person. This does not vary from person to person. It is universally acceptable. It does not vary from person to person. देखिए, मैं भी बोल रहा हूं कि vowels 5 है, A, I, O, U. आप भी बोल रहे हैं vowels ये हैं. हर कोई person बोल रहा है यही vowels है. So it does not vary from person to person. So it means that this collection is also a set. ऐसे set of integers है, set of rational numbers, set of real numbers. They all are distinct and well defined. So they are set. So, अगर हमारे पास है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एन से हम नेचुरल नंबर्स डिनोट करते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, अप टू सो ऑन.
सो अब हमारे पास रियल नंबर्स है आर से डिनोट करते हैं, हमारे पास इंटीजर्स है जेड से डिनोट करते हैं, सो दे ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड दे आर वेल डिफाइंड, दे डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो वी कैन से all natural numbers, collection of all natural numbers is a set, collection of all real numbers is a set, collection of all integers is a set, ऐसे ही बहुत सारे examples आप देख सकते हो। अब मसला ये है, अब set कोई कौन सी collection set नहीं है, for example set of dangerous, set of dangerous animals of the world। अब अगर मैं सेट यहां पर वर्ड अभी यूज नहीं करूंगा कलेक्शन, गज अभी हमें पता नहीं है सेट है कि नहीं, सो कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उनकी कलेक्शन क्या वो सेट है कि नहीं, मैथमेटिकली वो सेट है कि नहीं। अब देखिए अगर हम डॉग की बात करें या स्नैक हमारे पास है, अब देखिए मेरे लिए तो डॉग डेंजरस है, आपके लिए डॉग डेंजरस नहीं होगा, किसी के लिए स्नैक डेंजरस होता है, कोई तो स्नैक को हाथ में ले लेता है उसके लिए डेंजरस नहीं है, सो व्हाट डज इट मीन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट मीन्स दैट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन व्हिच मीन्स दैट इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो व्हेन इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन सो इट इज नॉट अ सेट, तो ये हमारे पास एक सेट, इसको हम मैथमेटिकली सेट नहीं बोल सकते हैं, इसको हम सिंपली कलेक्शन बोलेंगे। सो अब आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज सेट एंड व्हिच इज सेट एंड व्हिच इज नॉट अ सेट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, पॉज द वीडियो, अब हमें पढ़ना है ये जो हमने सेट यहां पर किया कंप्लीट, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सो देयर आर टू वेज to represent a set, representation of a set. अब आपको समझ आया सेट किसे हम बोलते हैं, अब कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो देयर आर ओनली टू वेज इन मैथ्स, फर्स्ट इज टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आप बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हो और इसको आप रूल मेथड भी बोल सकते हो। नाउ व्हाट इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म वी रिप्रेजेंट सेट, वी क्लोज द सेट विद कर्वी लीनियर ब्रेसेस, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हम सेट को एनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं कर्विलीनियर ब्रेसेस से, इसको हम बोलते हैं कर्विलीनियर ब्रेस, और जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मींस ऑब्जेक्ट्स विच फॉर्म ए सेट, जैसे मैंने वॉवेल्स की बात की, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ वॉवेल्स, हमारे पास है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमारे पास पांच है ए ई आई ओ यू, जो हमने अभी देखा कि ये सेट है। अब इसको हमें टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं और याद रहना चाहिए कि जो सेट होता है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, सेट को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एक्स्ट्रा, और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में उसको हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और जी एक्स्ट्रा। अब ये जो है सेट ऑफ वॉवेल्स, अगर हमें ये टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सपोज वी डिनोट बाय कैपिटल ए, तो हम कर्वीलीनियर ब्रेसेस से सेट को बंद करते हैं और जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, बस दिस इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरी फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये हमने पढ़ा। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टराइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखते हैं,
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इसमें देखना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में एक मॉडल बोल रहा हूं। यू नो सेट हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल एस, ये इसके लिए मॉडल है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। एक्स साइज दैट, इसको आप साइज दैट पढ़ेंगे मैथ्स में या ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो एक्स साइज दैट पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इट इज द फॉर्मूला, और यू कैन से इट इज मॉडल, आपको ये याद रखना है। दिस पी ऑफ एक्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। अब इस एक्स की प्रॉपर्टी आपको यहां लिखना है, एंड ये जो एक्स है ये एक एलिमेंट भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अगर आपने अभी जो देखा आपके पास एक सेट है, सपोज ए इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स आपके पास है, सेट ऑफ वॉवेल्स तो वो है ए ई आई ओ यू, दिस इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म यू नो। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे ए इक्वल, तो यहां पर आपको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स लिखना है और वाई और जेड जो वेरिएबल आप लिखोगे, और सच दे यहां पर इस एक्स की प्रॉपर्टी, और ये एक्स यहां पर ये एलिमेंट्स है, एक्स ए भी है, एक्स ई भी है, एक्स आई भी यहां पर है, और ये एक्स यहां पर ओ भी है, ये एक्स यहां पर यू भी है। सो अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है इन एलिमेंट्स की, अब देख वही मैंने यहां पर बोला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमें देखनी है। तो यहां पर अगर हम देखें इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है, ये वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट्स में। सो यहां पर आपको लिखना है एक्स साइज दैट एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए आप वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में, देखिए कैसे। यहां पर आपको ये देखना है, देखिए एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश, एक्स साइज दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट ए इक्वल। आपको अगर वापस चेंज करना है सेट रोस्टर फॉर्म में तो आप लिखोगे, देखोगे एक्स, और यहां पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब बोले एक्स वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में, वो क्या क्या हो सकता है, वॉवेल ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है, तो मीन्स ए ई आई ओ यू, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट और वो ये है। सो इससे हमें पता चला कि जो रोस्टर फॉर्म होते हैं या टेबुलर फॉर्म होते हैं, वी कैन चेंज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म, और वो वी कैन चेंज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। आप ऐसे भी एक और एग्जांपल यहां पर लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं आपके पास एक सेट है ए, टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8 एक सेट, आप कैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, ए इक्वल यहां पर आपको पता है यहां पर एक्स लिख रहे हैं, एक्स साइज दैट। अब इनकी प्रॉपर्टी यहां पर लिखनी है, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, 2, 4, 6, 8 यू नो 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। एक तो इनकी प्रॉपर्टी आपको पता चली है इवन नंबर्स है, और दूसरी प्रॉपर्टी आप अगर देखोगे वन डिजिटेड इवन नंबर्स है, क्योंकि इसके बाद 8 के बाद कौन सा इवन नंबर है, 10, वो 2 डिजिट है ना, सो 1 डिजिटेड इवन नंबर्स है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो लिखो एक्स साइज दैट एक्स इज अ 1 डिजिटेड इवन नंबर, हो गया। अब अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, यू नो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, इनफिनाइट है, अप टू सो ऑन लिखोगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एक्स साइज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर है इसमें, तो ये सारे आ जाएंगे फिर। सो जब मैंने लिखा एक्स साइज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स कोई भी नेचुरल नंबर है, वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, अप टू सो ऑन, सो ये यही सेट वापस आएगा रोस्टर फॉर्म में। सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, जहां पर हमने पढ़ा टेबल और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो यहां पर है टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ ए सेट, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं, आज मैं कुछ टाइप्स बोलूंगा। पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट। अब ये आपको खुद भी पता होगा फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट, ये आप समझ सकते हो। फाइनाइट सेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, a set is said to be finite if it has finite number of elements,
फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल ली सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, हियर एलिमेंट्स आर फाइनाइट सो वी कैन से दिस फाइनाइट सेट. बस अब इन्फिनाइट सेट वो सेट है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिस पर आप अप टू सो ऑन लिखते हो बाद में. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से डिनोट होते हैं ऐसे, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो. सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या आता है, देखो आप इसमें माइनस ऐसे हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, बाद में जीरो यहां पर वन टू थ्री फोर यहां पर, फिर अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यहां से अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. या नेचुरल नंबर्स जो है वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जाएंगे. तो इन दो सेट्स में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो ये दो सेट जो है ये उनको हम बोल सकते हैं इन्फिनाइट सेट्स. सो दिस वॉज फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट. अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन आ सकता है दैट इज नल सेट. क्वेश्चन आ सकता है नल सेट, नल सेट याद रखें ना. एक और नाम भी इसका है वाइड सेट, एक और नाम भी है एम्प्टी सेट. नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मैं ऐसे बोलूंगा आप खुद लिख सकते हो, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट. अब यहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है इस बात में, शायद आपके दिमाग में भी होगा कंफ्यूजन आप अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे कहीं पर. नल सेट पहले मैं सिंबल बोल रहा हूं, नल सेट जो है सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, फाई से इसको बोलते हैं फाई, और ऐसे कर्वीलिनियर ब्रैकेट्स में कुछ नहीं रखना है, खाली है एम्प्टी. दीज टू सिंबल्स आर, ये दो सिंबल्स हमारे पास है जिनसे हम नल सेट को डिनोट कर सकते हैं, फाई और दिस. अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, हम इसको बोलते हैं नल सेट, बट जब हमने सेट डिफाइन किया हमने बोला सेट एक कलेक्शन होते हैं जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो, सो कलेक्शन होनी चाहिए, बट इसमें तो कोई कलेक्शन ही नहीं है, तो फिर क्यों ये सेट है. तो इसका आंसर ये, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल पहले दे, अगर मैं बोलूं फीमेल स्टूडेंट इन ए मेल कॉलेज, अब देखिए फीमेल स्टूडेंट इन ए मेल कॉलेज, मेल कॉलेज में फीमेल स्टूडेंट, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनमें सिर्फ मेल स्टूडेंट्स होते हैं. अब मैंने लिखा यहां पर फीमेल स्टूडेंट्स इन ए मेल कॉलेज, तो फीमेल स्टूडेंट मेल कॉलेज में नहीं हो सकते हैं, सो इट मीन्स दैट ये नल सेट है. अब सेट कैसे है, बिकॉज जो वहां पर मैंने पहले ही बोला ना फीमेल स्टूडेंट इन अ मेल कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मेल कॉलेज, यहां पर मेल स्टूडेंट्स हैं. अब ये क्या है, ये मेल कॉलेज, दिस मेल कॉलेज इज ऑलरेडी अ कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑल स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इज वेल डिफाइंड यूनिवर्सली ट्रू, बिकॉज कॉलेज इज यूनिवर्सली ट्रू, सो इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो मेल कॉलेज इज ए सेट, बट जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज फीमेल स्टूडेंट, सो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं नल सेट, बिकॉज ये ऑलरेडी सेट ही है मेल कॉलेज, लेकिन जिस एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं वो एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज फीमेल स्टूडेंट, सो इट इज ए नल सेट. अब ये देखिए एक एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं, एन नंबर ग्रेटर देन थ्री, एक नंबर जो थ्री से बड़ा हो, एंड लेस देन टू. अब देखिए इस स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा यहां पर, ये स्टेटमेंट देखिए, एन नंबर ग्रेटर देन थ्री, एक नंबर जो थ्री से बड़ा हो एंड लेस देन टू बट टू से कम. अगर आप नंबर लाइन भी ड्रा करोगे यहां पर वन टू थ्री, अब देखिए इस नंबर लाइन पर मैंने लिखा ए नंबर ग्रेटर देन थ्री, एक नंबर जो थ्री से बड़ा हो, मतलब यहां से, बट मैंने वही लिखा ना एंड लेस देन टू बट टू से छोटा हो. क्या कोई नंबर है जो थ्री से बड़ा होगा और टू से छोटा होगा, कोई भी नंबर नहीं है, तो इट इज अ नल सेट. ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, एन इंटीजर
एन इंटीजर लाइंग बिटवीन टू एंड थ्री, बोलिए टू और थ्री के दरमियान कोई इंटीजर है? नहीं है। टू एंड थ्री के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, अनकाउंटेबल, बट हम इंटीजर की बात करते हैं और इंटीजर्स डेफिनेट होते हैं, इंटीजर्स डेसिमल्स में नहीं होते, पॉइंट में नहीं होते। सो देयर इज नो इंटीजर बिटवीन टू एंड थ्री, सो इट इज अ नल सेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट नल सेट। अब यहां पर ही मैं एक और सेट बोलूंगा, दैट इज सिंगलटन सेट। आप सिंगलटन सेट किसको बोल सकते हो? सेकंड, दिस इज थर्ड, सिंगलटन सेट। आप वन पॉइंट सेट भी इसको बोल सकते हो, आप यूनिट सेट भी इसको बोल सकते हो। अब ये देखिए, सिंगलटन सेट और यूनिट सेट और वन पॉइंट सेट, तो नाम से ही जाहिर है यहां पर। सो सिंगलटन सेट मींस ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, या वन पॉइंट सेट बोलते हैं, या यूनिट सेट बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने, अगर हम देखें लेडी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, लेडी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, बोले आप ही खुद, लेडी प्राइम मिनिस्टर तो एक ही थी ना, इंदिरा गांधी। इट इज सो प्रैक्टिकल एग्जांपल, इट इज अ सिंगलटन सेट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेट ले लीजिए, इसमें एक ही एलिमेंट रखो, सपोज बी, इसमें जीरो रखेंगे, यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए कि जीरो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। नहीं, इसमें एलिमेंट है, दैट इज जीरो, सो ये सिंगलटन सेट है। अच्छा, एन इंटीजर लाइंग बिटवीन थ्री एंड फाइव, थ्री और फाइव के दरमियान कोई इंटीजर, आप देखिए थ्री और फाइव के दरमियान एक ही इंटीजर है, दैट इज फोर, सो इट इज अ सिंगलटन सेट। सो इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है, दैट इज, बोलिए ये क्या है? आपको पता है दिस इज, यू नो इट इज नल सेट, वी डू नॉट नल सेट बाय फाइव और दिस, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है, ये सिंबल है, दिस इज नल सेट। बट अगर हम देखें, अगर एग्जामिनेशन में आपको ऐसे आए, आ सकता है नल सेट के सिंबल, इनमें से कौन सा नल सेट डिनोट कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे आए, अब ये मैंने इसमें डाला, अब ये मसला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा, इट इज नल सेट, बट इट इज नॉट अ नल सेट, नाउ इट इज सिंगलटन सेट, नाउ इट इज सिंगलटन सेट, बिकॉज यहां पर फाइव एक एलिमेंट बन गया, और जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आ सकता है एग्जामिनेशन में, ऐसे, This represents, ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए होगी नल सेट, ऑप्शन बी होगी सिंगलटन सेट, ऑप्शन सी बोथ नल एंड सिंगलटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर होगा सिंगलटन सेट। अब इसके बाद लास्ट में रिमार्क्स में जो बोलने जा रहा हूं, रिमार्क्स, अब ये रिमार्क्स क्या है? बस दो ही रिमार्क्स बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट, एक रिमार्क, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट। मतलब आप किसी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, दैट इज वाई मैंने पहले डेफिनेशन बोली, अ सेट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन, एलिमेंट इज डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, इसलिए रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है, 1 1 2 2 3 3, यू कैन नॉट रिपीट एलिमेंट मोर देन वंस, आपको ऐसे लिखना होगा, 1 2 times है आ जाए, सो एक ही दफा लिखो, 2 times है, 2 times है, तो एक ही बार लिखो, इसको भी एक ही बार लिखना है। सो एक्चुअली दिस इज द सेट, ये सेट ये है एक्चुअली, सो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट। एंड नंबर टू रिमार्क, The order of elements in a set is immaterial. अब इसका मतलब क्या है? जो order होगा elements का set में वो immaterial है। Immaterial का मतलब order does not matter in set. For example, अगर किसी कोई एक set है A, 1 2 3, बी सेट है आपके पास 3 2 1, सी सेट है आपके पास 1 2, फॉर एग्जाम्पल 3 1 2, एक्सेट्रा, यहां पर 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो ये जो सेट है, देखिए यहां पर 1 का ऑर्डर फर्स्ट, पहले 1 है, यहां पर 3rd है इसका ऑर्डर, यहां पर 2nd है इसका ऑर्डर, सो इट डज नॉट, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, दे ऑल सेट जो है ना इक्वल है,
सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल, आप जैसे एलिमेंट्स को लिखोगे लिख सकते हो बट वो एक ही सेट होगा. सो दैट इज द सेकंड रिमार्क, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमटेरियल. सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर.